उम्र बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन हमारे बुजुर्ग माता पिता उम्र बढ़ने के साथ हमसे वास्तव में क्या उम्मीद करते हैं? भारत की अग्रणी कवियों में से एक कमला दास ने अपनी मार्मिक कविता माई मदर एट 66 में इसी सवाल पर गहराई से चर्चा की है। आइए उनके शब्दों और भावनाओं के माध्यम से यात्रा करें। पिछले शुक्रवार की सुबह जब मैं अपने माता पिता के घर से कोच्चि जा रही थी, मेरी माँ मेरे साथ बैठी थी। गाड़ी में सफर के दौरान मैंने देखा कि मेरी माँ झपकी ले रही थी। उनका मुंह खुला हुआ था, उनके चेहरे की रंगत धूसर हो गई थी, मानो एक निर्जीव शरीर की तरह। उस पल में मेरे दिल में एक तीखी चुभन हुई और मैंने महसूस किया कि मेरी माँ अब बूढ़ी हो रही है। वह ऊर्जा जो कभी उनमें थी अब धीरे धीरे कम हो रही है। लेकिन मैंने इस दर्दनाक विचार को अपने दिल से झटक दिया और बाहर की दुनिया की तरफ देखने लगी। तेजी से भागते हुए पेड़ और हंसते खेलते बच्चे जो अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के बाद जब मैंने फिर से अपनी माँ की तरफ देखा तो वह कुछ दूर खड़ी थी। उनके चेहरे पर थकावट की हल्की परछाई थी, जैसे कि देर सर्दी का छांद, मंद फीका लेकिन फिर भी सुंदर। इस दृश्य ने मेरे दिल में एक पुराना जाना पहचाना दर्द वापस ला दिया, वह बचपन का डर, मेरी माँ को खोने का डर। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, बस इतना ही कहा, अम्मा फिर मिलेंगे। और मैं बस मुस्कुराती रही। इस एक बहती हुई पंक्ति में कमला दास ने प्रेम, भय और समय की अटलता को बखूबी कैद किया है। दौड़ते हुए पेड़ और हंसते खेलते बच्चे जीवन की ऊर्जा और खुशी का प्रतीक हैं, जो माँ की धीमी कमजोर होती उपस्थिति के विपरीत है। कवयित्री की मुस्कान, हालांकि वह अपने दर्द को छुपाने का एक प्रयास है, उनकी गहरी ममता और अपनी माँ को फिर से देखने की आशा को व्यक्त करती है। यह कविता हमें जीवन के क्षणिक पलों और माँ बच्चे के बीच के अनमोल संबंधों के बीच के नाजुक संतुलन की याद दिलाती है। कविता हमारे दिल और हमारे चारों ओर की दुनिया के बीच एक अनंत संवाद है। अपने प्रियजनों के साथ बिताए हुए पलों को संजो कर रखें, क्योंकि यही वे धागे हैं जो हमारे जीवन की चादर को बुनते हैं। धन्यवाद।